लोकसभा 2024 के नतीजों ने जहां सभी को चौंकाया, तो वहीं अब देश के 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे भी सभी के सामने आ चुके हैं। आपको बता दें, स्कोर बोर्ड में 10 सीटें जीतकर इंडिया ब्लॉक ने 2 सीट जीतने वाली बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है बंगाल में, जहां 4 सीटों पर उसे टीएमसी के हाथों मात खानी पड़ी। वही तब जब बंगाल में इन 4 सीटों में से 3 सीटों पर पिछले चुनाव में बीजेपी का कब्जा था। वहीं दूसरी बड़ी हार उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर मिली है। हिमाचल में भी कांग्रेस ने बीजेपी को सदमा दे दिया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद सियासी दलों की सबसे बड़ी परीक्षा थी, जिसमें इंडिया ब्लॉक ने एनडीए को जीत कर दिया है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने इंडिया गठबंधन को खुशी मनाने का बड़ा मौका दे दिया है। बंगाल में टीएमसी ने सभी 4 सीटें जीतकर जलवा बिखेरा है, तो उत्तराखंड की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में आई है। आपको बता दें कि हिमाचल में से 3 में से 2 सीटों पर कांग्रेस ने विजय पताका लहराया है, तो पंजाब की इकलौती सीट पर आपकी झोली में गिरी है। वहीं तमिलनाडु की एकमात्र सीट पर डीएमके ने अपना कब्जा जमाया है। वहीं उपचुनाव में इंडिया ब्लॉक की बल्ले बल्ले हुई है। हरीश रावत ने बद्रीनाथ में बीजेपी की हार को लेकर कहा कि ऊपर वाला और प्रकृति अतिवाद का दंड देती है। भगवान राम की धरती अयोध्या में इंडिया ब्लॉक की जीत बहुत महत्वपूर्ण है, अब इस पर बद्रीनाथ की जीत ने भी मुहर लगा दी है। बद्रीनाथ की जीत के साथ भगवान विष्णु ने कह दिया है तथा अस्तु कांग्रेस, देखिएगा समय आएगा हम केदारनाथ से भी जीतेंगे। राहुल शिव भक्त हैं और केदारनाथ का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा, अब बीजेपी का अतिवाद नहीं चलेगा। तो वहीं उधर हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जनता ने धनबल को हराया है और जनबल की जीत हुई है। प्रदेश की जनता ने खरीद फरोख्त की राजनीति को नकार कर अपना वोट राज्य में राजनीतिक पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए दिया है। बता दें, उन्होंने कहा कि देहरा में 25 वर्षों के बाद कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है और नालागढ़ में भी कांग्रेस प्रत्याशी बड़े अंतर से जीते हैं। हिमाचल प्रदेश में अब कोई भी पार्टी आने वाले 50 साल में खरीद फरोख्त की राजनीति करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी और प्रदेश में संदेश पूरे देश की राजनीति में जाएगा। आपको बता दें, उपचुनाव के स्कोर बोर्ड की बात करें तो 13 में से इंडिया ब्लॉक के खाते में 10 सीट, एनडीए के पक्ष में 2 सीट और अन्य की झोली में 1 सीट गई है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी का खराब प्रदर्शन रहा और ये पार्टी के लिए चिंताजनक की बात है। बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिली है। सबसे बड़ा झटका बंगाल में लगा, जहां सभी 4 सीटों पर बीजेपी को हार मिली है, जबकि हिंदी पट्टी यानी उत्तराखंड की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो फजीहत झेलनी पड़ी है। आपको बता दें कि बीजेपी सिर्फ हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर और मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा सीट पर जीत का झंडा लहरा पाई। यहां कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया, लेकिन पार्टी दिग्गजों के लिए नतीजे उनकी परेशानी बल डालने वाले हैं। चिंता की बड़ी वजह यह है कि अब उत्तर प्रदेश में भी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और बीजेपी के लिए ये एक बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। इसमें से एक दिन पहले शुक्रवार को हुआ महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव एनडीए के लिए शुभ साबित हुआ था। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए के लिए अच्छी खबर तब आई जब 9 सीटों पर उसके 9 उम्मीदवारों की जीत हुई और महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 2 सीटें ही मिली। महाराष्ट्र में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मायूती के लिए यह शुभ संकेत है, लेकिन 7 राज्यों में 13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे इंडिया ब्लॉक का हौसला और बढ़ाने वाला है, तो दूसरी ओर यह इंडिया के लिए चिंतन मंथन में एक दौर की शुरुआत का संकेत भी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा के चुनाव नतीजों के बाद से यूपी के सियासी गलियारों में उठी हलचल थम नहीं रही है। बीजेपी लगातार चुनावी नतीजों की समीक्षा में जुटी है, जमीनी स्तर पर भी खराब प्रदर्शन की वजहों की पड़ताल कर रही है, लेकिन इन कोशिशों के बीच अब बीजेपी के ही कुछ नेताओं के तेवर तल्ख हो रहे हैं, जो यूपी में पार्टी के सामने नई चुनौती खड़ी कर रहे हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश में की तमाम और यूपी तक की छोटी बड़ी खबरों के लिए अपने न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।